लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आम आदमी की जिंदगी यूं तो बहुत ही आम होती है, पर इसी जिंदगी में जब राजनीति का दखल होता है तब आम आदमी आम नहीं रहता, मैंगोमैन हो जाता है। झारखंड में सरकार के सहयोगी दल के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सबको पैसा देना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी आग चलाओ। हर बिल्डर को अपने हर प्रोजेक्ट के टोटल कारपेट एरिया के हिसाब से 150 रुपया पर स्क्वायर फीट देना होगा। एक तो मार्केट में वैसे भी मंदी चल रही है और उसके ऊपर इतनी भारी रकम, वो भी प्रोटेक्शन मनी के रूप में, भला हमको क्या बचेगा? बोलिए बड़ी साईं, बिल्डरों ने क्या ये बोझ कभी अकेले अपने सर पे लिया है? ग्राहक लेगा नहीं? सही कह रहे हो, ये आइडिया अच्छा है। हम खाली 300 रुपया पर स्क्वायर फीट बढ़ा देंगे, वो भी सुपर बिल्टअप के ऊपर। करेक्ट है। मैं पूछेगा कौन? इस रिश्वत में सब शामिल है। क्या दो लोग? दो लोग तो मैं सच कर रहा हूँ भाई। क्या दो लोग? हैं? दो लोग इतना बड़ा कांड कर सकते हैं क्या? भाई मेरा यकीन कर रहा हूँ, दोनों ने नकाब पहना होता इसलिए। चुप! अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गेम बिगाड़ डाला।
कैसे भरेगा, इतना बड़ा खड्डा कैसे भरेगा मैं? इस बार जवाब बाप को नहीं, बाप के बाप को देना है। ठिकाने लगा इसको। तेरे को कुछ पता है कि नहीं? हाँ, तू बात क्या कर। बोलता है? रुक, वो मनी बोल रहा है कि उसको पैसे की चोरी के बारे में कुछ पता नहीं। हाँ बोल पप्पू। भाई अपन ने जो लिस्ट बनाया था ना, मैंने सबको चेक किया, एक एक का डिटेल मैंने पूरा बराबर निकाला, लेकिन इनमें से किसी का हाथ है ऐसा लगता नहीं अपन। भाई रघु फोन नहीं उठा रहा है, उसके छोकरे लोगों को अपन ने मैसेज किया था लेकिन साले लोगों का कोई जवाब नहीं आया। ये नाम दिमाग से कैसा निकल गया रे? रघुनाथ पांडे। ठोक डालो उसके आदमी लोग को, मेरे को मेरा पैसा मांगता है। इधर रुक, मैं तेरे को थोड़ी देर में फोन करता है अभी। हाँ करता है मैं फोन। भाई वो टोपी का फोन था, वो बोल रहा था कि अपने बच्चा लोग पर अटैक हुआ। हाँ भाई। कोई गया क्या? अपने दो छोकरे लोग टपक गए ले भाई। इस बार मुख्तार के गेम का मजा आना ही चाहिए। पैसा कोई उसका चोरी करेगा और वो अपुन के छोकरे को टपकाएगा। अपने दो आदमी के मरने का खबर उसके चार आदमी के मरने का खबर बनना चाहिए। मैं इस वक्त मुंबई के साहिल इलाके में खड़ी हूँ, जहाँ पर चार लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस इसे गैंग वॉर मान रही है। पुलिस इस गैंग वॉर को रोकने में अब तक पूरी तरह नाकाम रही है। अब तक की सबसे बड़ी घटना है। इस घटना में कुल पाँच लोगों। ये सब क्या चल रहा है शहर में? हम लोग का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मैं इस वक्त अंधेरी इलाके के गिलबोर्ड। अपोजिशन का हाथ रघु के सर पे है तो क्या डेढ़छाना बनेगा? पैसा उसी ने चुराया है, मेरे को मेरा पैसा मांगता है। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है कि खार इलाके में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दो लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। सूत्रों से ये भी पता चला है कि इस गैंगवार का कारण एक बहुत बड़ी रकम की चोरी है, जिसकी वजह से दो गुटों के बीच में जंग छिड़ गई है। मेरी बात करो। हेलो, ये शहर में क्या हो रहा है पवार साहब? आपकी होम मिनिस्ट्री सो रही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मुट्ठी भर गुंडों को कंट्रोल नहीं कर पा रही आपकी गवर्नमेंट? हाँ हम लोग कोशिश में लगे हैं और मेरी कल ही होम सेक्रेटरी से इस बारे में बात हुई है। हालात सुधारिए, ऑपोजिशन पहले ही हमारी सरकार गिराने की फिराक में लगी हुई है। कल तक रिपोर्ट्स चाहिए। कमिश्नर साहब को फोन लगाओ। हेलो कमिश्नर। जी सर। मुख्तार मेनन को अरेस्ट करवाओ। जी सर। चाहे किसी भी जुर्म में, जी। ये गैंगवार बंद होनी ही चाहिए। ओके सर। बाकी का ये ले पांच। मुख्तार खान। भाई किधर गया? भाई पुलिस। निकलो तुम लोग। ए माल को फेंक डाल, पानी में फेंक डाल। लेके जा इसको। चल 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 निकल।
कहाँ जा रहे हो भैया? क्या हुआ? हाँ, क्या चाहिए तुम लोग को? कहाँ, क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है मुख्तार, पुलिस स्टेशन में बैठ के डिस्कस करते ना, चल। भाजी पाव मंगाते हैं, खाते खाते बात करते ना भाई। पुलिस स्टेशन का को जाएगा मैं? हाँ, क्या किया है मैं? क्राइम बोलो, क्राइम बोलो, बोलो क्राइम बोलो, क्या किया? ये किया है, ये ले 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 ले, तेरा क्राइम मिल गया तेरे को, तेरे को तेरे सवाल का जवाब मिल गया। कम से कम 5 खोके का माल है, इतनी लंबी लगेगी कि जिंदगी कम पड़ जाएगी। मैडी सर, ग्रेट जॉब, वेल डन। अरे मैडी, भाईजान को इज्जत से ले जाने का है तो क्या करना पड़ेगा? हथकड़ी लगानी पड़ेगी। आले भाई लगा, तू तो अच्छा लगाता है, हाँ जरा संभाल के, हाँ भाई की बहुत इज्जत है यहाँ पे। तुम लोग मेरे साथ ये करके क्यों अपना लाइफ को टेंशन में डाल देंगे? क्या चाहिए बोलो ना, क्या चाहिए मैं देगा, क्या 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 चाहिए, कितना चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़ मैं देगा, अब भी देगा, रोकड़ा देगा, रोकड़ा। रोकड़ा नहीं चाहिए मुख्तार, तेरी जान चाहिए, देगा? वेल डन ऑफिसर, डिपार्टमेंट तेरे को प्रमोशन देगा, पन रिटायर मैं करेगा तेरे को। मुख्तार का ये बात लिख के रख। चल चल जा। ए, इतनी बड़ी बात बोल के गया वो और तू हंस रहा है? भाव, बचपन से ये डायलॉग सुनता आ रहा हूं, जब भी कोई विलेन ऐसी बातें करता है ना, एंड में कुत्ते की तरह मार खाता है। क्या बात है, चल बैग ले। सब यूनिट 9 के ऑफिसर एकलव्य करमरकर ने मीडिया को बताया कि वो जल्द ही इसके बारे में और खुलासा करेंगे, पर हमारे सूत्रों से ऐसा पता चला है कि मुख्तार को ड्रग्स की डील करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। Good job, Mary. Well done. Thank you, sir. आज से गैंगवार वैंगवार बंद हुआ, शहर भी शांति की सांस लेगा और हम लोग भी। अरे कौन सी शांति, किसकी सांस? आज कमिश्नर का फोन आ गया था, तो यह हाल है। कल किसी पॉलिटिशियन का फोन आ जाए। अरे उसकी माँ का मत बोल ऐसे यार। जी हाँ, 93.8 गुड एफएम पर मैं हूँ ऋतुराज, हर रोज की तरह आपका चहेता प्रोग्राम बातों बातों में लेकर हाजिर हूँ। भाई बातों बातों में तो बात बनती है, बात निकलती है तो दूर तक जाती है, बात लगती है बात चुभती है, इसलिए लगने और चुभने की बातों से दूर बातों में आए लफ्ज बात संभालेंगे, बातें संभलेंगी तो रिश्ते संभलेंगे। भाई शहर में आईपीएल की मस्ती जोरों पर है, क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है, और ये बुखार शहर को इसलिए भी रास आ रहा है क्योंकि शहर में सुकून है, शांति है। मुख्तार मेमन की गिरफ्तारी से शहर को बड़ी राहत मिली है, पिछले कुछ समय से शहर में गैंगवॉर का माहौल था, अमन चैन छिन गया था। पूजा, क्या हुआ?
मुख्तार तो अरेस्ट हो गया, गैंग वॉर भी खत्म, अब फुर्सत मिली अपने घर के लिए। अब क्या करना है मुझे? थोड़ा खा लो। मुझे नहीं खाना, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, फिर क्यों पीछे पड़े हो सब? ठीक है बाबा, मत खाओ, ओके? चलो प्लेट रख दिया। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, सुनो 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 सुनो, अगर खाना नहीं खाओगी तो दवाइयां कैसे लोगी? मुझसे खाना खाया नहीं जाता, बिल्कुल मन नहीं करता, तुम्हारी भी चिंता लगी रहती है। तुमसे पहले नेहा भी बहुत जिद कर रही थी, मैंने उसे डांट कर निकाल दिया। तुम जानती हो वो क्यों जिद कर रही थी? क्योंकि वो चाहती है कि उसकी माँ एकदम ठीक हो जाए। वो वाली माँ, पक 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 पक, ये वाली माँ नहीं, वो वाली माँ। उसके फाइनल एग्जाम भी आ रहे हैं और मैं। अरे तुम रोना मत, सुनो सुनो, रो मत रो मत, सुनो देखो देखो, she'll be fine, थोड़ा खा लेते, ओके? ओके ओके, लिसन 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 लिसन, खाओगी नहीं तो कैसे चलेगा? थोड़ा खा लेते, ओके? थोड़ा खाए, कम आ जाओ, थोड़ा खा लो, आ जाओ। देखो मामा बुला रही। I'm sorry बेटा, sorry। बाबा कुठे जाऊन आले तुम्ही? इकडे इकडे, बस बस। आज अब फिर काम पे जाके आए ना? इधर बैठे, बैठ बैठ बैठ। आज 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 बेटे तू जल्दी आ गया। आप बात को घुमाइए मत, डॉक्टर ने आपसे क्या कहा था? अरे बेटा, ये बहू के इलाज पे कितना खर्च हो रहा है और तेरी तनख्वाह कितनी है? अब मैं अगर छोटा मोटा काम करके थोड़ी मदद कर दूं तो फिर क्या हर्ज है उसमें? कहाँ है बाप? और फिर बेटा ये जो पारिवारिक परेशानियां होती हैं ना, ये अच्छों को रास्ते से भटका देती हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे बेटे के साथ ऐसा हो। बाबा ये हाँ एरिक बोल। नहीं नहीं बोल रहा हूँ, मुख्तार अंदर से गैंगवॉर चला रहा है, डोज देना पड़ेगा उसको। जैन सर, ये एक्सपेक्टेड था नहीं, मुख्तार रुकेगा नहीं, प्रोग्राम है। कुछ दिन शांत रहने के बाद दो गुटों के बीच गैंग वॉर फिर छिड़ गई। जयपुर इलाके में गोलीबारी की घटना सामने आई है जिसमें कि दो गुटों के बीच फायरिंग हुई है, तीन लोगों की मौत। शहर के खून खराबे से आम आदमी में दहशत है। कायदा आणि सुव्यवस्था अस्तव्यस्त झाली आहे, विक्रम मंत्र्यांचे राजीनाम्याची मागणी करतो। मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस को कुछ भी करके गैंग वॉर को कंट्रोल करना चाहिए। क्या साहब, अपन का हालचाल जानने को आया है क्या? ये चल रहा है चायला साहब लोग के लिए। बैठो बैठो बैठो। नहीं नहीं, पूछना था कि साहब का इरादा क्या है। अबे ओ, जो तू शहर में करवा रहा है उससे तेरी मुश्किलें कम नहीं होगी, जानता है ना तू? क्या हुआ,
ये पुलिस वाला होके नेता जैसा बात काहे को करता है? मैं इधर बैठा है और तुम लोग मेरे को मिलने को आया है, तो मुश्किल किसका बड़ा, मेरा कि तुम लोग का? हाँ, क्या समझे तुम लोग? मुख्तार अंदर तो मुख्तार खल्लास, जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता। ए, 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 मुख्तार, ये खेल खेल रहे हैं तू, उसको बंद कर, ये बोलने हैं हम लोग, समझ रहा है? खेल बंद होने के लिए थोड़ी होता है, खेल तो शुरू होता है और खत्म होता है। एक पार्टी खेल शुरू करता है, दूसरा पार्टी खत्म करता है। अभी मैं खेल शुरू किया, तुम लोग खत्म करो। शामी, शायद तू ये सोच रहा है कि जो तू कर रहा ठीक कर रहा है इसलिए क्योंकि तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। बहुत डेरिंग है तू, तो इतना जान ले हमें तेरी जिंदगी से नफरत है। साला टोक का सटक लाना है। साहब, अपन को अपना एंडिंग मालूम है, उसके बाद ही ये धंधे में हाथ डाला। मेरे को अपना नाम बहुत बड़ा करके जाने का है, वो टाइम आना ही मांगता है जब तुम जैसा अफसर किसी नए क्रिमिनल को पकड़ के लावे और लॉकअप में उसे धोवे और उसे पूछे, क्या रे अपने आप को मुख्तार मेमन समझता है क्या? चलो 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 चलो, वो अपना कैसा है नया अफसर माधव, उसका ख्याल रखो। हाँ, बच्चे के पास टाइम बहुत कम है। मैडी को तू हाथ लगा के सिखा, अरे कहाँ से गोली चली और कहाँ से धुआं निकला समझ में आएगा तेरे को, समझा तू? नहीं हाथ मत, हाथ क्यों लगा रहा उसको यार? अबे ये बच्चे का क्या बिगाड़ेगा तू? अब समझ में आया हमारी बात, तेरे पल्ले क्यों नहीं पड़ती, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। छोड़ा संभाल अपना, मुझे संभाल के चलो। उल्टी गिनती चलो। तू छोड़ ना। ये मुक्ता जैसे लोगों को ना जेल और कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, सिरा डाल देने का साला। तेरी ये राय है ना, मैं सेंटर में सिफारिश करूंगा। किससे? प्राइम मिनिस्टर से, कल सुबह सुबह चाय पे बुलाया यार। अरे पॉसिबल नहीं है ना, वो तो ब्रेकफास्ट मेरे साथ कर रहे कल। ब्रेकफास्ट तेरे साथ भैया? अरे भाई कितना टाइम लगा दिया, आधा घंटा बोल के गए थे, 18 मिनट में आ गए। भाई 10 मिनट में वापस आने वाले थे अरे भाई, फिर जाते ही उसने गले लगा लिया, क्या करें। बोल रहा था कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, तो हमने कहा ठीक है हम आपकी मदद कर देंगे कोर्ट में। भाई वाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम लोग एक क्रिमिनल की मदद करेंगे अभी? अरे यार तो हमारी बातों का वो मतलब मत निकाल जो उससे मतलब निकलता हो। हम लोग काम की बात करते करते इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं और इधर उधर की बात करते करते काम की बातें भी कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अरे इसको टाइम लगेगा यार, मेरे को 10 साल लगे थे समझने में। बाबा भाई ये मुख्तार बोल क्या रहा था? उसकी बीमारी कुछ ज्यादा ही गहरी है, नई दवाइयां देनी पड़ेगी, उसका पावर खत्म करने के लिए एक गेम खेलना ही पड़ेगा। नहीं तुम रघु के पास चले जाओ। चल मड़ी भाई। अरे तू राजा के पास चला जा। चल फिर फोन करना मेरे को। यस। साहब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुख्तार मेमन के अरेस्ट होने से पार्टी की और हमारी प्रॉब्लम और बढ़ गई है, ये आपको भी पता है, इसलिए दिल्ली से मैं एक सीबीआई ऑफिसर भेज रहा हूँ। वो आ जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। चलिए पीछे हटिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, प्लीज पीछे रहिए। हटिए हटिए, एक मिनट प्लीज हटिए। भाई सर आगे क्या देना? भाई सर क्या काम है आप लोगों का? प्लीज मिस्टर योगेंद्र बिश्नोई फ्रॉम सीबीआई।
चली गई। इस गैंग वॉर के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, मुख्तार मेमन। खाएंगे? तुमने अभी तक अपना ऊपर नीचे का समय बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है। इस वक्त तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है, क्यों? क्या बात करता है सर? दिमाग हिलने का सबसे बड़ा टाइम होता है बाप की कब्र पे मिट्टी डालना। वो टाइम नहीं मिला तो तुम्हें नहीं लगता है कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में बाप की कब्र से ज्यादा बड़ा खड्डा हो गया है जिसे भरते भरते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मैं यहां गैंग वॉर के लिए नहीं, तुम्हारे इसी खड्डे को भरने आया हूं। मैंने अपना काम कर दिया था मगर बीच में ईमान से बोलता है, मैं रामगुरु आरजी साहब को आप समझाइए ना, मैं उन तक पैसा पहुंचाने ही वाला था कि बीच में उसे उड़ा लिया। अभी मैं इधर बैठा है, कुछ कर नहीं पा रहा है मैं। आप मेरे को इधर से बाहर निकालो, मैं पता लगा लेगा कौन किया ये सब। इना मीना डिका रम पम पोश रम पम पोश। अगर सभी दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठ जाएं तो बैंड कौन बजाएगा? सर, युगंधर बिश्नोई, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें वहां रहकर पूरे माहौल को देखकर निगरानी रखनी है और हालात फिर से बिगड़े तो उसका इफेक्ट सर पर खड़े इलेक्शन पर पड़ेगा। तुम्हें इस केस की जड़ तक जाना है युगंधर। आखिर 3 साल बाद इस शहर में गैंग वॉर ने वापस सिर क्यों उठाया? आग की चिंगारी आई तो कहां से आई? तुम्हें इसके रीजंस तलाशने होंगे, समझे? जी। और हाँ, जैसे ही तुम अपने रीजंस तक पहुंचते हो तो इसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मुझको देना है। मैं ये नहीं चाहता कि उस स्टेट की बात ऑपोजिशन तक पहुंचे और ऑपोजिशन हथियार की तरह इस्तेमाल करे। जी, थैंक यू गांधी। इस केस की जड़ों तक पहुंचना, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले पहले खबर मुझे देना। तार ढूंढना पड़ेगा, तार। सिटिया सुनी? हाँ।
हमारे स्वागत के लिए तैयार है लोग। पुलिस चल। मुख्तार का आदमी बनकर उसका नाक के नीचे पुलिस का ड्यूटी बजाया। शकल से उतना शाना नहीं लगता था। और तू इधर क्यों आया उसका वकालत करने के लिए? इससे पहले कि तू कुछ बोले मैं बोलता है। वैसे मैंने चोरी नहीं की है, फिर भी वो मेरे आदमियों को मारता है। खेल उसने शुरू किया है, खत्म अपन करेगा क्या? उंगली नीचे रख के बात करना रघु। सामने से बात करने को आया इसका मतलब क्या? सर पे बैठ के नाचेगा तू? तेरे ये सब बोलने से मैं रुकने वाला नहीं है। मैं इस काम में और छोकरे बढ़ा रहा हूँ। क्या बढ़ा ना रघु, बढ़ा। मुख्तार की जितनी बैंड बजानी है बजा ले, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए सब रोक दे, नहीं तो भाव को जवाब तेरे को देना पड़ेगा। मैं बता दूंगा मुख्तार के आदमियों का पता, फिर निकाल लेना अपने बड़ा से। हाँ एक बोल। राजा का पता चल गया है। और भाई ये राजा पप्पू और शकील तीनों मिलकर गैंगवार को बाहर से चला रहे हैं। ठीक है मैं भाव को लेकर। Have
क्या चाहिए? पुलिस वालों को देखकर लोग हमेशा ये क्यों पूछते हैं, क्या चाहिए? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा। यार मैडी जी, इसके साथ जॉब करने वाले ये हम इसे करके बताए या फिर बता के करें? भाव पहले अगर बता देंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले कर देते फिर बताते। मेरे साथ कुछ मत करना, वैसे भी आप लोगों की दुआ से आधा सफर बैसाखी पर कर चुका हूँ, अगर आप लोग बोलो तो ये शहर छोड़ के मैं चला जाऊँ। चायला घबर तो कशाल रे, डरता है? देख फिलहाल तो तू सिर्फ नाम का राजा है, अब लोग तेरे को रियल राजा बनाने का सोच रहे ला। किंग मुख्तार अंदर है ना, उसकी कुर्सी खाली है, तेरे को पाइल्स वाइल्स तो नहीं है ना, तो आराम से बैठ जाने का। भाई की कुर्सी पे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसे ही होता है राजा, पहले बड़ा ऊपर जाता है फिर छोटा बड़ा बन जाता है, सिंपल है। नेतागिरी और गुंडागिरी में एक टाइम आता है, टाइम तेरा आया है, अभी फायदा उठा ले। अगर भाई को पता चला तो वो मेरे को छोड़ दे। अबे तेरे भाई की ऐसी लगेगी ना अंदर, जेल में हो जाएगा उसका, खुदा हाफिज। लेकिन ये सब कैसे होगा? वो सब हो जाएगा, हम सेट कर देंगे। तेरे को भी मालूम है पुलिस के हेल्प के बिना कोई गुंडा बड़ा नहीं बन सकता, तो अपना काम करता रहे ना, हम लोग इंटरफियर नहीं करेंगे, बस मुख्तार की इंफॉर्मेशन हमको देता जा। सोच क्या रहा है? अबे ओ, तेरे गैंग के पप्पू शकील कहाँ मिलेंगे? ये दोनों तेरे काफी पंटरों को मार चुके हैं, ले जाओ और अपना हिसाब चुकता कर ले, लेकिन शहर में खून खराबा बंद होना चाहिए। इतना छोटा रिश्वत देके इतना बड़ा काम करने को बोलता है, सोचना पड़ेगा। तेरे को समझा रहा है, समझ ले। क्या तेरे को सोचने का टाइम नहीं देंगे हम लोग? आज से गैंग वॉर बंद होना चाहिए, ये सलाह तेरे हक में है। नमस्कार बेटे, नमस्कार है, जीते रहो, हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे अबे इधर भी जीते रहे। अबे बाबू जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हो? अरे हाँ बाबा, मैं आपके लिए बनाता हूँ। बेड़ा समझ कर मेरा डैड बेवड़ा नहीं है। अरे बालों में नहीं, बेवड़ा है। जैसा हीरो लोगों के लिए अपन फेक बना रहा है, अपन का नसीब है। हाँ बोल मैडी। अरे बस चाहिए तो डिपो पे, ट्रेन चाहिए तो पाटे पे। इतना देखो, अरे तू शर्माता क्यों है यार? अबे अबे क्या बना रहा है तू यार? तेरा ड्रिंक का? अरे नहीं आज मुड़नी मुड़नी। अभी तक ना किसी लड़की को सेट किया है ना खुद सेट हुआ है। ए भाई तो औरतों की बद्दू लेगा क्या? शुरू हो गया सर। अच्छा पार्टी किस खुशी में है यार? हां वो एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर एरिक। पार्टी किस खुशी में है? मेरे को काई को पूछता है इसको बू? हां नहीं भाई, के एक्चुअली ये क्या, व्हाट इज द पार्टी ड्रिंकिंग आई एम थिंकिंग? एक्चुअली क्या है कि जो मेरे डैड है ना, यशवंत कर्मकर। हां बाबा। हां वो दादा बनने वाले हैं। ए क्या भरूड़ है? अरे मैंने मतलब तू बाप बन रहा? हाँ मतलब नेहा दीदी बनने वाली। क्या कह रही? नसीब रियली?
मतलब तू बाप बन गया यार, पता नहीं मेरे को। अरे तू मार मत, मार क्यों यार। वार्निंग है, वार्निंग सब होने वाले बाप लोगों को कि पहले खुशखबरी दोस्तों को दिया जाता है फिर बीवियों को। अरे एक मिनट मिनट और क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना। सबसे पहले बीवी को मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट बच्चा हो, पहले हम लोगों को मालूम पड़ना चाहिए बात का। अरे वो पॉसिबल नहीं है यार, मान लो मुख्तार के गैंग को बाहर से फोड़ा, उसकी तरफ से खून खराबा बंद, रघु के लालच को पूरा किया, रघु भी चुप, नतीजा गैंग वॉर बंद। मगर पैसा, तुम्हें इस केस की जड़ तक जाना है युगंधर। जैसे ही तुम अपने रीजंस तक पहुंचते हो तो इसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मुझको देना। मतलब पैसे के बारे में सबसे पहले आरजी को बताओ। पर पैसे हैं कहां?
एफआईआर में पैसों की रॉबरी का जिक्र हो भी कैसे सकता है? इतनी बड़ी रकम की लूट की जो एफआईआर दर्ज करेगा उसे यह भी बताना पड़ेगा कि इतनी बड़ी रकम उसके पास आई कहां से। ये खेल दो खिलाड़ियों के बीच में था, भेजने वाले और पाने वाले के बीच, मगर तीसरे खिलाड़ी की वजह से बिगड़ गया। गैंग वार की रसीद फाड़कर मुख्तार को जेल भिजवाकर कानून को भटकाने का काम यही खिलाड़ी कर रहे हैं। बैठो। यस सर, थैंक यू। ए प्रधान, राम गोवर्धन साहब की चर्चा पूरे देश में है, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यंग है सर, डायनामिक है, ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाला है, और लोगों का प्यार भी तो उसके साथ है। मुझे लगता है सर, डेफिनेटली अगला प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा। यंग, डायनामिक, यूनिट 9 के ऑफिसर बहुत ही काबिल है सर, वो इस केस की नस को पकड़ लेंगे सर। जैसे जैसे मैं इस केस को समझ रहा हूं, यूनिट 9 की काबिलियत पर मेरा भरोसा और बढ़ता जा रहा है। सोचता हूं इस भरोसे को और बढ़ाया जाए। एरिक कोलासो 21 साल से सर्विस में है और 12 साल से भाव की यूनिट से जुड़ा हुआ है। एक लव्य कर्मकार, ऑनेस्ट जाबाज, एक मेरिटोरियस ऑफिसर की इमेज है। इसके फादर भी पुलिस में थे। हाँ जी, एडिशनल कमिश्नर के रैंक पे रिटायर हुए थे। वाइफ बीमार है जी, वो एक कैंसर पेशेंट है। 14 साल पहले ये कैंसर डिटेक्ट हुआ था और पूरी तरह से रिकवर भी हो चुकी थी, कुछ महीने पहले फिर रिलैप्स हुआ। ट्रीटमेंट जारी है सर। जिंदगी ने जिम्मेदारियों का बोझ इनके कंधे पर डाला और इन्होंने खूब अच्छी तरह से निभाया। नईम शेख, भाऊ सबसे ज्यादा इसी पर भरोसा करता है, ऐसा क्यों? अनाथ था ये, मुंबई की सड़कों पर पला बड़ा। ये है पक्या, नईम के बचपन का साथी, यूनिट 9 का मुखबिर और राजदार भी। सर, माधव को मुख्तार के गैंग में इसी ने प्लांट करवाया था। मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये। सुना है सर, जब ये छोटा था कुछ लोगों ने नईम पर हमला बोल दिया था और नईम की जान बचाते हुए पक्या के हाथ से कत्ल हो गया था। उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं था और पक्या ये शहर छोड़कर भाग गया था, और उस वक्त उस केस की छानबीन भाव के फादर कर रहे थे। पता नहीं उन्होंने नईम में क्या देखा, उन्होंने नईम को गोद ले लिया, पढ़ाया लिखाया, पुलिस वाला बनाया। भाई से भी बढ़कर हैं दोनों। मतलब लंगोटिया। पता है मिस्टर देशमुख, कभी कभी लंगोट को कस दो तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जी सर, ये माधव सिन्हा मेरठ में आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग के बीच में ही इसे मुंबई में लाकर यूनिट 9 में शामिल किया गया। उसके बाद इसे मुख्तार के गैंग में प्लांट किया गया। अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही काबिलियत है इसमें। कॉफी। थैंक यू सर। पियो और बताओ कि कैसी है। अच्छी है सर। शुगर थोड़ी कम होनी चाहिए थी। जी, क्या हुआ कि कॉफी मग में डाला और फैक्स चेक करने गया, कॉफी ठंडी हो गई? जी, खराब कॉफी को खराब बोलना ठीक नहीं समझा तुमने। जी, यही प्रॉब्लम है, सीनियर की रेस्पेक्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, भले ही झूठ बोलो। अगर तुम सच बोलते ना तो मुझे बुरा लगता, हर सीनियर ऐसा ही होता है। यूनिट 9 के साथ कब से जुड़े हो? जी, 2 साल से, और ये मेरा दूसरा केस है। अपने सीनियर्स के काम करने के तरीके पर क्या कहोगे सर?
उनके एक्सपीरियंसेस को बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है सर। उनके जैसा बनना चाहते हो या उनसे आगे निकलना चाहते हो? सर दोनों बातों के बारे में कुछ सोचा नहीं सर। तुम्हारे इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? रायगढ़ एक्सप्रेस हाईवे। हाँ रायगढ़ जी सर, जहाँ शूट आउट हुआ था। अगर ट्रैफिक प्रॉब्लम ना होती तो हेडक्वार्टर से वहां पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगते। आप लोगों को खबर मिली, आपस में कोऑर्डिनेट किया, अपने लोगों को संगठित किया और स्पॉट के लिए निकले और 2 घंटे 45 मिनट में वहां पहुंच गए, मतलब 15 मिनट पहले। ये सब तुम्हारे सामने हुआ, कैसे हुआ? जी नहीं सर, मेरे सामने नहीं हुआ। देखा कितना भुला करूं मैं। उस वक्त तुम मुख्तार के साथ अंडर कवर थे, है ना? जी सर। लेकिन यूनिट 9 को ये इंफॉर्मेशन तुमने दी थी राइट? जी। मतलब रायगढ़ एक्सप्रेस हाईवे पर यह घटना हो चुकी है, इसकी सूचना तुमने सीनियर्स को दी? जी नहीं सर, मैंने मुख्तार के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि वो उस एरिया से गुजर रहा था और कोई क्राइम को अंजाम भी दे सकता था। अगर सिलसिलेवार तरीके से जाएं तो मुख्तार के बारे में इंफॉर्मेशन आपने अपनी यूनिट को दी, उसका लोकेशन, उसके रूट के बारे में बताया। तुम्हारे सस्पेक्ट के हिसाब से वहां गोलीबारी हुई, कुछ लोगों की मौत हुई, एक कैश वैन से बड़ी रकम लूट ली गई, ये इंफॉर्मेशन भी तुमने उनको दी। तुम्हारी यूनिट बिना टाइम गंवाए पूरी मुस्तैदी के साथ सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट में वहां पहुंच गई, यानी 15 मिनट पहले। तुम मानते हो ऐसा ही हुआ है? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मगर वो कैश वैन वाली बात समझ में नहीं आई सर, आप किस लूट के बारे में बात कर रहे हैं? ओह, आई एम सॉरी, एक पिछले केस का इंसिडेंट था, गलती से मैंने यहां जोड़ दिया। माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सर, आप इतने केस संभालते हैं, इस तरह की गलती आपसे भी हो सकती है। जितना मैं तुम्हें समझ पाया हूं, बात है बहुत ऊपर तक जाओगे। थैंक यू सर। सुनो जी, अगर तुम कॉफी को खराब बोलते तो मुझे अच्छा लगता। नईम भाई की बात बिल्कुल सही निकली है बाबू। क्या हुआ? मैं फोन करता हूँ थोड़ी देर। हमारे फोन टैप हो रहे हैं। युगांधर, सबसे पहले हमको अपने मोबाइल नंबर चेंज कर लेने चाहिए। सब कुछ वैसे चलने दो जैसे चल रहा था। एक्सक्यूज मी सर। या ये फाइल। गिव मी 5 मिनट्स प्लीज। के सर। Thank you.
हम पहले की तरह बात भी करेंगे और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। बस हमारा तरीका अलग होगा, हमारा स्टाइल अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, खास करके तुम दोनों ध्यान से सुनो, अगर मैं नईम से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ या उससे कोई एडवाइस लेना चाहता हूँ, तो मैं किसी लैंडलाइन या आसपास के पीसीओ से उसके मोबाइल पर फ़ोन करूँगा। मोबाइल पर सिर्फ ऑफिशियल बातें होंगी, सिर्फ ऑफिशियल बातें, समझे मैडी? फ़ोन करते ही रिसीव नंबर पर नईम फ़ोन करेगा नज़दीकी लैंडलाइन या पीसीओ से, और हम हमारी प्राइवेट बातें करेंगे। ओके, सिंपल। फिर देखते हैं योगांदर जी कहाँ कहाँ के नंबर टैप करते हैं। अरे कम कम कम, आओ आओ, जूते खोलो। मैं तुम्हें ऑफिस में भी बुला सकता था, बाद में सोचा अरे भाई तुम तो गेस्ट हो तो गेस्ट हाउस ही ठीक रहेगा। वैसे बुलाया क्यों आपने? अपनी मुश्किल आसान करने के लिए। बैठो। डिपार्टमेंट के लिए तुम्हारे दिल में क्या इज्जत है? बहुत इज्जत करता हूं। भाई की तरह या बाप की तरह? बाप ही समझ लीजिए। तो फिर ऐसा काम करके बाप को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। मेरा ये मानना है कि तुम्हारी टीम से अनजाने में या लापरवाही से हो गया, पैसों की रॉबरी में शायद तुम लोगों का हाथ नहीं है, मगर इसके मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन जरूर है जो तुमने ना दी हो। आपको शायद गलतफहमी हो रही है सर। 13 साल के करियर में आज तक किसी ने हम पे ऐसा आरोप तो नहीं लगाया। पहचान तो इसे। कौन है? बाड़ू नाम है इसका, ड्रग्स का धंधा करता है। मैं नहीं जानता इसको। ये मेरे हाथ लग चुका है, 24 घंटे की मोहलत देता हूं, जो भी सच है बता देना, वरना 7 साल के लिए अंदर जाओगे। चाय अच्छी थी। सर ये फाइल। हाँ बैठो। नईम भाई सलाम। क्या हरिक भाई, आज नया क्या है? आज क्या नया, वो क्या परसों पे क्या बोल रहा था, फायर ब्रिगेड वाला बेचारा कहीं से आग बुझा के थका मांदा घर पहुंचा, देखा तो उसकी बिल्डिंग की बत्ती गई हुई थी। इसका घर पहुंचा, देखा उसकी बीवी सोई हुई थी। इसने कहा सो जा, मैं भी सो जाता हूँ, बहुत थका हूँ। इसके सोते ही बीवी ने कहा जानू
मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे कहीं से दवाई ला दो। और ये दवाई लेने के लिए स्टोर चला जाता है, मेडिकल स्टोर वाला कहता है, शर्मा जी आप तो फायर ब्रिगेड में थे, ये इंस्पेक्टर कब से बन गए? यूनिफॉर्म मेडिकल। मैं नहीं, मैं तो फेसबुक वाला हूँ। फेसबुक वाला है? युगंधर से मिल के आ रहा हूँ, उसको शक हो गया हम पे, धमकी दे रहा था। और तू डर गया योगांधर सर को देखकर, कांपने लगा। वो बाड़ू है ना ड्रग डीलर, वो उसके हाथ लग गया। हेलो हाँ रॉनी, हाँ रॉनी, चलो भाई काम हो गया है, आप पैसे पहुंच जाएंगे शाम तक, ठीक है? तू 10 रुपए के नोट का नंबर SMS कर देना मेरे को, ओके? इसलिए युगांधर धमकी दे रहा था कि 24 घंटे के अंदर अगर मैं रॉबरी केस में कोऑपरेट नहीं करूंगा तो मुझे ड्रग केस में अंदर कर देगा। अच्छा, तो वो बाड़ू के दम पर इतना नाच रहा है। देखो तुम दोनों एक काम करो, सेंटर ऑफ स्टेट के सारे विटनेस प्रोटेक्शन हाउसेस चेक कर लो। चलो काम पे लग जाते हैं, मैं सेंटर संभालता हूँ, तू स्टेट संभाल। ओके। एक बार बाड़ू हमारे हाथ लग गया फिर देख लेंगे। रिलैक्स। आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? कोई परेशानी है क्या? तुम अभी सोई नहीं? मुझसे भी अपनी परेशानियों का हिस्सा बांटो। मुझे कोई परेशानी नहीं, बस यही सोच रहा था। I'm fine, पूजा। Relax। आपसे भी ज्यादा आपको जानती हूं मैं। बाबू मसरी चोरी हो गई। हाँ बोले। गाड़ी पंचर हो गई बाबू। हाँ बाबा पता नहीं लगा कुछ, पूछताछ की। कैंडल मार्च चल रहा है उधर, सब जगह पूछा, कोई आईडिया नहीं। हाँ बाबा अभी तक कर रहा हूँ। धोबी तलाव केस के फोन रिकॉर्ड्स 2-3 नंबर नोट किए मैंने, उनको ट्रैक करके देखता हूँ। हेलो। ओ, हाँ एरिक बोल। चोरी की गाड़ी का एक और कंप्लेंट आ गया है। महंगी गाड़ी है और सेम स्टाइल से चोरी की गई है और पक्का एक ही गैंग का काम लगता है। अपन कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते। नहीं नहीं, तू कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। कभी नहीं भाई, कभी नहीं। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग हो तो बोल देने का भाव, ऐसी बात नहीं। देखो बड़ी बात नहीं करता, इन 17 सालों में मैंने बड़े बड़े मैटर हैंडल किए हैं मगर कभी घमंड नहीं किया भाव। हैंडल किया मतलब? हैंडल मतलब हैंडल तोड़ के पूरा काम बजाया गया है एक्चुअली गाड़ी का। अच्छा वो चार बत्ती वाले गटर में जो कुत्ते की लाश बरामद हुई है वो कौन हैंडल कर रहा है? अरे वो केस तो सावन के पास है, वो हैंडल कर रहा है, मेरे को थोड़ी मालूम है। अरे नहीं नहीं यार, उसके लिए बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर की जरूरत है। अरे तू 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 हैंडल कर। हाँ अपना डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास में जितने भी ठिकाने हैं सब जगह चेक किया मैंने, किधर भी बाड़ू का पता नहीं है। मेडिकल क्या रिपोर्ट है? सेंटर के ठिकानों पर भी उसे नहीं रखा गया, मतलब यह हुआ अरे कि है तो सरकारी गवाह लेकिन कुछ पर्सनल दिया जा रहा है। चलो ठीक है ओके। लैंडलाइन से मोबाइल पर जो फोन आता है ठीक 5 मिनट के अंदर उसी लैंडलाइन पर फोन रिसीव भी होता है, मतलब ट्रेनिंग के दौरान जो हुनर सीखा है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल हो रहा है।
होने दो। बंदर को नाचना है और मदारी को नचाना है। कैप्टन कैसा है? टेंशन नहीं? बालू का टेंशन है? अरे छोड़ उस चर्सी को यार, ध्यान रखना अपने से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और भाई तेरे को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बालू के पकड़े जाने का मतलब ये नहीं कि वो तुझे गिरफ्तार कर लेगा। पुलिस वाला है तू, तुझे हाथ लगाने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। मैं सोच नहीं रहा था, तैयारी कर रहा था। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पहले पक्की करता हूं, हाथ बाद में डालता हूं। ये आप ठीक नहीं कर रहे सर। कानून से जुड़े लोग होकर पुलिस की कार्रवाई में अड़चन डालने का मतलब समझते हो? कम से कम 4 फीट की दूरी बनाए रखना। चल उड़ जा रहे पंछी अब ये चल जा रहे पंछी अब ये जा रहे। मेरा मुंह क्या देख रहे हैं आप लोग? गेट बैक टू वर्क। तुम्हारा खड्डा भरने का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। नईम को पासी के सेल में ला जाएगा, लेकिन ख्याल रहे उसकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ उससे लूट के पैसों की बात उकलवानी है। वो मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी तुम जानो। आपको पक्का यकीन है कि पैसा नईम ने दिया? मतलब यकीन और शक में जरा सा ही फासला है। कोई शक? उनका सुई किधर और ही अटकेला था, इधर डाउट गए ही नहीं। ये पॉइंट छूटा कैसे? मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने उसको जनरल बैरक में डाला तो कैदी उसको छोड़ेंगे नहीं, खास करके मुख्तार। इतना प्रेशर है मुझे ऊपर से कि नईम को उसी बैरक में डालो जहां पे मुख्तार है। ससनकी है उसकी, वो योगांतर की। समझ में नहीं आता क्या दुश्मनी है उसकी हमारे साथ? नईम शेख की पुलिस अफसर, वो साथी हमारे, उसे कहीं भी आप। मैं आपकी पोजीशन समझ सकता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज शाम तक नईम शेख मेरे कैबिन में रहेगा। यहाँ रहेगा, यहाँ खाएगा, यहाँ पिएगा, आखिरी रोल कॉल तक। उसके बाद मुझे इससे बैरक में डालना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। Yeah!
की जमानत हो चुकी है। डैडी बताइए कितना झाला मजा बस बस। अरे एक और डैडी, एक लास्ट मत। ठीक है, अगर बन गया तो फिर बन गया तो वेस्ट नहीं करने का। अरे मैं बाबा बाबा संभालूं गया। सब लोग एंजॉय करो, मतलब संभल के बेटा, सब लोग आराम से। हाँ भाई मैडी, तेरा बना रहा हूँ बस। बस तो डिपो में मिलती है, आपके जैसा बनाओ ना। अच्छा बच्चा बड़ा हो रहा है भाई। चेस। देखो देखो वाह, जिस स्पीड से ये बड़ा हो रहा है ना, अपना बाप बनने वाला है, लिख लो भाई। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने मेरी बेल इतनी जल्दी कैसे करा ली? इतनी जल्दी? पूरे 9 घंटे लगे, हम सब पर एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। हम सब अंदर आने वाले थे। और तो क्या? इनकी ऐसी की। अभी कौन आया होगा? एक लंबे अरे सभी इधर ही हैं। नमस्ते, माफ करना, आप लोगों के जश्न में खलल डालने आ गए। केसी एक ऐसा हद में आ गया है कि हम दोनों को चैन से बैठने नहीं दे रहा है। आप लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं ये सोचकर कि क्या होगा, और मेरी ये सोचकर कैसे होगा। रायगढ़ एक्सप्रेस हाईवे पर सिर्फ मर्डर्स नहीं हुए, एक कैश से भरा ट्रक भी गायब हो गया। कहीं से उड़ती खबर हमें भी मिली थी। आपके पास अगर और इंफॉर्मेशन हो तो हमें बताइएगा। इंफॉर्मेशन की तलाश में तो मैं भी हूं। कभी कभी मैंने देखा है कि इंसान ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। हाँ भाई, इनको तो ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट 12 पटानी दे रखी है। ये सब जानते हैं कब कहाँ कैसे, यू नो। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। क्या समझ गया? ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। नमस्ते। इस ऊट पटांग चार का कुछ करो यार, थका दिया इसने यार। साला एक घर परिवार की जिम्मेदारी ना हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए थी। जब जिसका गला दबाने की इच्छा हो दबा दो साला, लेकिन नहीं, रुकना पड़ता है ना। फ्लैश आता है घर परिवार।
हाँ रानी बोल। हाँ अरे ठीक से बोल। कब? हाँ रो मैं। हाँ पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बहन और उसके बच्चे को किडनैप कर लिया। 10 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। टेंशन मत लो, इतने सारे पैसे तो हैं हमारे पास, दे देंगे। हेलो हेलो, पैसों के पास जाएंगे ना, खतरे से खाली नहीं है। वो आया था ना जल्लाद, हमारे हर मूवमेंट की खबर रखता है वो। तो हैदराबाद जाते, सालों को सबक सिखा के आते। हम चारों का एक साथ शहर से निकलना ठीक नहीं है। भाऊ तुम चले जाओ ना एरिक को लेके, हम यहाँ संभाल लेंगे। हैदराबाद क्यों? हैदराबाद में एरिक की सिस्टर है सर, शी इज अ विडो, उसकी देखभाल एरिक ही करता है सर। उसके हस्बैंड का एक रेस्टोरेंट था सर, जिसमें गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आग लग गई थी, स्टाफ को बचाते वो मारा गया सर। और एक और चीज़ सर, उसने बैंक से लोन लिया था जो आजकल एरिक भर रहा है। भर नहीं रहा है, भर चुका है। उसी दिन जिस दिन इन लोगों ने ड्रग डीलर बाड़ू के साथ बहुत बड़ी डील की थी, तार से तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर एरिक की सिस्टर और उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया, इसीलिए एरिक के साथ भाव भी गया है सर। एरिक, हाँ, एरिक, हाँ, मारो। एक फैमिली को किडनैप किया जाता है, दस लाख रुपए फिरौती मांगी जाती है, फिर बिना फिरौती लिए अपने घर वापस छोड़ दिया जाता है। एक घंटे पहले छोड़ा, कुछ किया नहीं। इस खेल का मकसद दिख रहा है चारों को अलग करना। शिट, नहीं। शिट। नहीं, का फोन नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ लगता है। लेकिन ये खेल किसका है? मुख्तार, ये सब मुख्तारी कर रहा है, और तुम्हारा बड़ा साहब नईम शेख मुख्तार का साथी रहे। कमजोर हो गया है वो, अपनी फैमिली को लेके डर गया है वो। बस हो गया राजा, अभी कुछ और बोलेगा ना साला खोपड़ी खोल दूंगा, समझ गया ना? मेरे को गोली मार के सच बदल जाएगा क्या? मैंने जो सुना है वही बता रहा हूँ। जिस दिन नईम एक दिन के लिए जेल गया था, उस दिन मुख्तार ने उससे कहा कि जब तक वो जेल से निकल के घर पहुंचेगा अपनी पत्नी को मरा पाएगा। तेरे को तो मालूम है मैडी मुख्तार कैसा है। सर घर परिवार की जिम्मेदारी ना हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए। फ्लैश आता है, घर परिवार। बात सुन मैडी, उसका टारगेट तू है मैडी, तेरे तक पहुंचना चाहता था, पर इनके होते हुए तेरे तक पहुंचना मुश्किल था, इसीलिए तुम चारों को अलग करना जरूरी हो गया था। इसमें नईम अपनी फैमिली को बचाने के लिए मुख्तार का साथ दे रहा है। हम चारों का एक साथ शहर से निकलना ठीक नहीं है। भाऊ तुम चले जाओ एरिक को लेके। हैदराबाद में दरअसल कुछ नहीं हुआ है, बस एक गेम है तुम चारों को अलग करने का, और वो मुख्तार खेल रहा है। हाँ मैडी, यहाँ सब ठीक है? एरिक की बहन और उसके बेटे को सुबह ही छोड़ दिया गया। सुन, हम लोग भी मुंबई के लिए निकल चुके हैं, बस 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैडी नईम का फोन नहीं लग रहा, वो ठीक है ना? और सुन, भी अपना ख्याल रख। और क्या पता है तुझे? नईम खुद जेल जाकर मुख्तार को ये बताने वाला है कि भाऊ और एरिक हैदराबाद जा चुके हैं और तू अकेला है। सो मम्मी जी, सुना डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, बड़ी चीजें नहीं उठानी। बिल्कुल। भागने दौड़ने बंद। बिल्कुल। दूध रोज पीना। बिल्कुल। रेगुलर चेकअप। बिल्कुल।
सब कुछ मैंने सुन लिया, जो डॉक्टर ने बोला है मैं वही करने वाली हूँ। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस क्यों? प्रॉमिस, पक्का। और जब भी जरूरत पड़े ना, हाँ, मुझे एक फोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है? अच्छा जी, अगर मैं फोन करूंगी तो आप अपना काम छोड़कर घर आ जाएंगे वापस? आजमा के तो देख लीजिए जनाब, पहुंच जाऊंगा मैं। क्या बात है, पिकदान नहीं है आपकी गाड़ी में। सो हैप्पी। अच्छा सुनो, ये मुख्तार कौन है? क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, उसके कोई दो आदमी घर पर आए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। क्या हुआ? नहीं क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं, सिर्फ मुझे माँ बनने की मुबारकबाद दी और ये बोला कि अपना खास तौर से ख्याल रखना बस। ओह हाउ स्वीट। ए तो धमकी देगा तू? बोल रहे थे कि सब ठीक ठाक है हैदराबाद में, और वैसे भी एरिक और भाव वहाँ पहुँचे तब तक एरिक की बहन अपने बेटे को लेकर घर पहुँच चुकी थी। और हाँ, आपका फ़ोन ट्राई कर रहे थे, आपका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा है, कुछ बोल रहे थे कि सब कुछ साजिश है और आपको होशियार रहना चाहिए। ये सब क्या है नईम? अरे कुछ नहीं यार, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। और क्या, फ़ोन उठाओ यार। हेलो हेलो, मैडी बोल रहा हूँ कैप्टन। हाँ मैडी, भाई को दे। नईम, हाँ तो फोन मैडी। हाँ मैडी बोल। भाई मुझे मिलना है आपसे। बात क्या है? भाई मिलकर ही बता पाऊंगा। बात क्या है, फोन पे बोल देना। भाई समझो ना प्लीज, आपसे मिलकर बात करनी है। देख मैडी, इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। मैं भाई प्लीज, भाई बहुत जरूरी काम है। ठीक है, लोखंड मीनार पे 12:30 बजे। ठीक है भाई, आपको मिलता हूँ उधर। भगत तू एक काम कर, तू नसीम को लेके चला, मैं पहुँचता हूँ। और जब तक मैं ना बोलूँ उसको अकेला छोड़ना मत। खोला तो आंखें मेरी तरफ घूर रही थी, मैंने सोचा इन दो आंखों को अपने दिल में बसा लूं, लेकिन फिर सोचा राजू अगर उसे पता चला तुम चोर हो, चक्के हो, छोटी मोटी चोरियों के लिए जेल जा चुके हो, तो इन आंखों में तुम्हारे लिए इस बार नफरत का कुछ नहीं होगा।
परेशान क्यों हो रहे हो तुम? विश्वास नहीं मुझ पर? तुम जाओ ना, मैं जल्दी आ जाऊंगा तुम्हारे पास, ओके? और यार मैं भी क्लियर नहीं हूं, मैडी ने पता नहीं क्यों बुलाया, उसको भी साथ में ले गया था, ओके? अभी का भी मेरे को इधर से बाहर निकलवाओ, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। आरजी साहब को बोलो उनका पैसा उन तक पहुंच जाएगा। मुख्तार को आजाद कर दो। हेलो, मुख्तार जेल से छूट गया। मुख्तार जेल से छूट गया। घंटी बजरी उठाने रहे। क्या बात करनी थी बोल। अरे बोलना भाई, कल रात को आपने ही भाव एरे को हैदराबाद जाने के लिए बोला ना? हाँ, तो आज आप जेल गए थे। हाँ तो क्यों गए थे? क्यों, क्या तेरा क्या लेना देना से? तू रिलैक्स करना, मुख्तार से मिलने गया था। क्या बात की आपने? अबे तुझे क्या लेना देना उससे, रिलैक्स करना यार। तू सब कुछ लेना देना है भाई। अब पिक्के मैडी, तू नशा कर रहे? नशा नहीं कर रहा भाई, आज सब सच सामने आ गया। क्या सामने के बोल रहा है? क्या सामने आया बोलना? यही सामने आया है, इसी बात का एहसास हुआ है कि रिश्तों की कीमत का एहसास एक अनाथ को कभी नहीं हो सकता। भाई! मुझ पे शक करके तूने वैसे भी मार दिया मुझे यार, अभी एक कसर बाकी है, मार। मैं चला दूंगा भाई। चला दे भाई यार, चला दे, चला 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 दूंगा भाई, चला भाई, चला बे। उसका फैमिली मांगता है मेरे। हाँ भाई, किसका? भाव का। भाव का जैसे पता चले मुझे रिपोर्ट करो। एक मिनट,
तड़पे आँख हमसे रोई। तू क्या खोया पिछड़े साथी दुनिया जैसे खोई। तन्हा दिल ये तुझ बिन तड़पे आँख हमसे रोई। हाय तू क्या खोया बिछड़े साथी दुनिया जैसे खोई। भीगे नैना ये मेरे देखे अब क्या बिन तेरे। भीगे नैना ये मेरे देखे अब क्या। जैसे खोई यादों में दिल जागे रहते रात भी न सोई। सांसें भी चलती धम धम के हो जुदा जब कोई। भीगे नैना ये मेरे देखे अब क्या। छूटा ख्वाब रूठा टूटी टुकड़ों में जा। ओ दीवाने तू क्या जाने दिल है क्यों ये परेशान। सोचना था ये भी होगा गुम ही जाएंगे अरमान। क्या खबर थी ये खुशी भी पल दो पल की है मेहमान। भीगे नैना बॉडी को हाथ मत लगाइए। छोड़ दो इसे। ये सब कुछ मुख्तार ने किया। मुख्तार ने नहीं सर, नईम के बात के जिम्मेदार आप हैं। नहीं मारा गया क्योंकि वो अकेला था और उसे अकेला किया आपने। अपना खेल खेलकर आपने हमें अलग कर दिया। डिपार्टमेंट में आपका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है सर। यही तरीका है ना आपका केस सॉल्व करने का। अपने ही अफसर को मुख्तार की गोलियों के आगे आपने झोंक दिया। बहुत खूब सर, ब्रिलियंट सर, सुपर्ब। घर जाइए सर, घर जाइए, खुशियां मनाइए क्योंकि नईम की मौत ने आपके छाती पर एक और मेडल का इंतजाम किया है। जाइए जाइए, घर जाइए सर। अब भी तुम गलत दिशा में सोच रहे हो। नईम सिर्फ मुख्तार की गोली से नहीं मरा है, थोड़ा उसे तुमने मारा है, थोड़ा उसे खुद ने। राह से भटकने की भूल होते ही जिंदगी साथ छोड़ना शुरू कर देती है। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में।
मुख्तार के रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए। हमें सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। इसके लिए चाहे कोई आम आदमी मरे या पुलिस वाला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज पॉलिटिक्स। हेलो बाबा, कहाँ हैं आप लोग? बेटे हम ठीक हैं। वो मैडी हमें एक बचाकर एक सेफ जगह पर ले आया है, लेकिन अभी अभी मैडी को कुछ लोग उठा के ले गए। और नईम कहाँ है? नसीम कहाँ है? मुझे बड़ी चिंता हो रही है बेटा। नहीं ठीक है बाबा, अभी अभी मिल के आ रहे बाबा नईम को। देख तू मुझे समझा मत, जरूर तूने कोई बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली है बेटा। मेरी बात गौर से सुन। जो बचा है उसे उसे संभालो बेटा, और अपना ख्याल रखना। जी बाबा। मैडी, मैडी कहाँ तू? शेर के जबड़े में मौत का इंतजार कर रही है। पुख्तार मैडी कहाँ है? ए भाव, तेरा बटालियन में एक तू ही मेरे को समझदार दिखता है। जल्दी बोलना पैसा किधर है, टाइम और दिमाग दोनों खराब हो रही है मेरा। इसका खोपड़ी में 6 इंच का होल डाल देगा बोलता है। ना बोलता है वो। मुख्तार, मुख्तार, मैडी, मैडी को फोन दे, मैडी को फोन दे। इधर आ। चल, 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 चल। भाव, ये मैडी, ये क्या कर रहा है? तू बता दे उसको पैसे कहाँ हैं? नहीं बताऊंगा मैं। जान पे खेल के इतने पैसे हाथ में आए। कुछ भी हो जाए, मैं ये पैसे नहीं दे सकता। पागल हो क्या तू? पैसे जिंदगी से बढ़कर नहीं होते। मगर मेरे लिए बढ़कर है भाव। इस पैसे ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे इस पैसे से नफरत हो गई है। उसे बताते पैसे कहाँ हैं बेटा, प्लीज। हम पुलिस वालों के लिए कोई खड़ा नहीं होता, कोई कैंडल मार्च नहीं करता। जिंदगी भर की ईमानदारी हमें बस कुछ मेडल्स दे सकती है, मगर जिंदगी पैसे से चलती है। कुछ भी हो जाए मैं ये पैसे नहीं दूंगा। मैडी, ऐसा करना है कल, आज से तो मेरे लिए मर चुका। मैं जानता था तू झूठ बोल रही है। अभी एक और कत्ल का गुनाह मुझसे मत करवा। जल्दी बोल पैसा किधर है? पहले ही अपना अकाउंट बहुत भारी है। बोल। एक कोई लतीफा सुनाया मैं? मुस्कुराता का एक है। पैसे नहीं दूंगा, नहीं बताऊंगा मैं। देख, अपुन को अपना शकल और किरदार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अपुन जैसा कमीना दिखता है वैसा ही चाहे देखेगा कमीना पर। उधर ये तेरे को मेरा गैंग में घुसाया, अभी देख खुद ही निकल लिया बेचारा। अभी तो सोच रहा होगा कि पकिया तो नसीम भाभी को लेके गया था।
तो मर गया। तो नसीम भाभी वो देख। तेरे को क्या लगा तू ही हम लोगों के गैंग में घुस सकता है? अब देख हम लोग तेरे गैंग में कहां तक घुस गए। अभी बोलेगा पैसा खुदा नहीं है पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। ये मेरे को मिलना ही था, मैं जानता था, और इसके लिए दो पांच लाशें भी गिरेंगी ये भी जानता था। क्या लगा तेरे को पैसा मिलने के बाद मैं तेरे को छोड़ देगा? कैसे कह दे अलविदा, हर जगह है अक्स तेरा, ऐसा तुझसे है रिश्ता। तू कहीं हो हर कदम पे हम सफर, तू है यारा, आज भी ये लग रहा है तू है साया हमारा। भीगे नैना अपना एनिमी को कभी छोड़ता नहीं है, तेरा दिल चीर के निकाल दिया, नहीं इनको खल्लास कर डाला, और अब ये नसीम
नसीम भाभी तूने मेरा दिल नहीं छीना मुख्तार, दिल तो है, नहीं को मार के तूने मेरी धड़कने छीन ली। जबरदस्त कोऑर्डिनेशन। मैडी के साथ फोन पे झगड़ा करके अभी तक मैडी को जिंदा रखने का यह अंदाज हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात शायद तुम लोगों की समझ में नहीं आई कि मैं यहां पहुंचा कैसे, है ना? पुलिस वाला हूं आप ही की तरह। ये सब क्यों किया? नियत में खोट आ गई थी सर। हर गलती का भुगतान करना पड़ता है, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम लोगों ने क्या सोचा था मैं अकेले आऊंगा? गिराया गया है। जी हाँ, मुख्तार मेमन की मौत की खबर की पुष्टि हो गई है। इस बड़े ऑपरेशन को दिल्ली से आए सीबीआई ऑफिसर योगांदर बिश्नोई की अगुवाई में किया गया। उनका साथ दिया मुंबई क्राइम ब्रांच के 4 जाबाज अफसरों ने, एकलव्य करमरकर, नईम शेख, एरिक कोलासो और माधव सिन्हा ने। इस खतरनाक ऑपरेशन में एक ऑफिसर नईम शेख शहीद हो गए हैं। पुलिस को मेमन के अड्डे से करीब 500 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई है। सूत्रों से हमें पता लगा है कि सरकार ये रकम आम मुंबई कर की जरूरतों पे खर्च करेगी। मेमन की मौत बंद करो पुलिस के लिए एक हेलो तिवारी जी। जी सिन्हा बोल रहा हूँ दैनिक समाचार से। हाँ जी, आरजी साहब से बात हो सकती है? हाँ जी सर, सिन्हा साहब। हेलो हेलो आरजी साहब, सिन्हा बोल रहा हूँ दैनिक समाचार से। हाँ बोलिए बोलिए। मुबारक हो, ये बहुत बड़ी जीत है आपकी पार्टी की। नहीं 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 नहीं, पार्टी की जीत नहीं है, ये जनता की ही जीत है। जनता की जीत? हाँ। तो आपकी सरकार क्या करने वाली है उस पैसे का? जनता का पैसा है और जनता पे ही खर्च होगा। तो फिर मैं आपका स्टेटमेंट छाप देता हूँ। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। पिछले 2 दिनों से कॉन्टेक्ट में नहीं है, मीडिया को जोड़कर सारा ये तमाशा रचने लगा था। इलेक्शन सर पे है, इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं मैं? तंबाकू लॉबी को कॉल करो और उनको बोलो कि फ्राइडे तक मुझे 700 करोड़ रुपए चाहिए। आई डोंट केयर हाउ, जल्दी जाओ और डीके को बोलो मुझे कॉल करें।
युगांधर बिश्नोई। हुजूर ने आईने में चेहरे का नूर क्या देखा, हम उस पर अक्स बनकर उतर आए हैं। शेर है सर, बोलने का शौक है लेकिन समझता नहीं, आप तो समझ गए होंगे। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। मैं जानता हूं आप मुझे देखकर बहुत खुश हैं, और मैं भी बहुत खुश हूं क्योंकि आपने मुझे जो काम दिया था वो मैं बड़ी ईमानदारी से निभा पाया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा निभाया तुमने, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा निभाया। वहां की जनता खुश, सरकार खुश, तो हम भी खुश। एक बात बोलूं सर, पब्लिक और मीडिया ये सोच रही है कि ये पैसे बरामद करके मैं इस केस की जड़ तक पहुंच चुका हूं। सच तो ये है कि मैं इस केस की जड़ तक पहुंचकर भी पहुंच ना सका, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। वो इसलिए कि मैं इस केस में थोड़ी देर से जुड़ा, लेकिन वादा करता हूं अगर दोबारा ऐसा केस मेरे हाथ आया तो मैं इस केस की जड़ तक पहुंचूंगा, और इस कामयाबी के लिए जिसे सबसे बड़ा झटका लगेगा वो है आप। एक वादा और करता हूं सर, रिटायरमेंट से पहले ये झटका मैं आपको जरूर दूंगा। जरूर इस वक्त ये फोन आपकी किसी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए है। मेरी राय है इसे सोच समझ के उठाइएगा। जय राम जी। Now bring it on now. Mere bin suraj na aave.
now.